हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि लोकसभा के चुनाव में आप सब ने 4/4 100% नतीजा हिमाचल से दिया। इसके लिए आपको बधाई देता हूं। आपने कांगड़ा में कमल खिलाया, हमीरपुर में कमल खिलाया, मंडी में कमल खिलाया, शिमला में कमल खिलाया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हिमाचल की जनता को और आप सब के माध्यम से हर वोटर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने 100% नतीजा भारतीय जनता पार्टी को दिया। हम सबके लिए खुशी की बात है और आप सबके अथक प्रयास से, अथक मेहनत से, लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से चुनाव में काम किया, यह हमको सौभाग्य मिला है कि 60 साल बाद हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबसे लोकप्रिय हैं, वो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हुए। लगातार ये 60 साल बाद घटना घटी और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उड़ीसा में आप लोगों के शुभकामनाओं से पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आंध्र प्रदेश में विशुद्ध एनडीए की सरकार वहां भी बनी और कुल मिलाकर के 18 प्रदेशों में एनडीए की सरकार हुई और 13 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनी है। यह भी हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं। आप लोगों की अथक मेहनत के कारण, आप लोगों की ताकत के कारण आज हम 98% के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है और 97% की जनता पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना मत दिया है और उसको आगे बढ़ाया है। यह हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात और इसके लिए मैं भारत की जनता को और हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा ख्याल रखा, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। गरीबी को हटाने का बात हो, चाहे आपको ग्रीन से, चाहे आपको सिलेंडर देने की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान में आपको टॉयलेट्स देने की बात हो, आज हिमाचल 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा यार, सुबह सुनने को मिला कि सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया। अब इसको क्या कहे, मती भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले? इस सरकार की मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आपको अनुराग जी ने अच्छे से बताया, गोबर के बारे में कहा था आपको पैसे देंगे, दूध के 100 रुपये लीटर था, दूध 100 रुपये लीटर देंगे, पहनों को 1500-1500 रुपये देंगे, मिला क्या? और नौजवानों को 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। बोलो, पिछले इस कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? यहां भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो यहां इसी तरीके की अगर विकास की कहानी कहने लगे तो हम देखते हैं कि हर तरीके से आपको तकलीफ में डालने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार।